एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशाली ब्लॉग्स। आज हम आए हैं अमृत उद्यान और आज मैं अकेले नहीं, आज अपनी मीमांसा सोसाइटी है कॉलेज के, इसके साथ उनके साथ आई हूँ। सो गाइज, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है अमृत उद्यान। नियरेस्ट बस स्टैंड्स हैं कृषि भवन, तालकटोरा रोड, आरएमएल हॉस्पिटल। सो वी हैव वीज, सो लेट्स गो गाइज एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट्स हाउस एंड इट्स अमृत उद्यान और एक्स मुगल गार्डन। सो आफ्टर सीइंग दिस ट्यूलिप्स माय माइंड बी लाइक so beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो बहुत सारे फूल देखने के बाद अब हम देख रहे हैं पानी का नंगा नाच और पानी काफ़ी बढ़िया तरीके से नाच रहा है। पता नहीं ये क्या लगा हुआ है, नींबू की शक्ल जैसा और संतरे के रंग जैसा। तो ये आ चुका है राष्ट्रपति भवन और भवन में ही स्विमिंग पूल की व्यवस्था है। ये है कोई खुफिया रास्ता, ये बिछी हुई है फूलों की चद्दर और भीड़ तो बहुत भयंकर हो रही है। अमृत उद्यान में बस अमृत नहीं दिखा, उद्यान तो दिखा। ये फूल गोभी जैसे दिखने वाला पौधा भी अच्छा लग रहा है बड़ा। ये है अमृत उद्यान का चमत्कारी कुंड, इसमें जो ना मांगो वो मिल जाता है। तो हम दिल्ली में ही पूरा नॉर्थ ईस्ट एक बार में घूम लेंगे क्योंकि यहाँ चल रहा है नॉर्थ ईस्ट का कल्चरल फेस्ट और यहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट के प्रोग्राम्स, डांस, म्यूजिक और वहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस के जो अलग अलग आइटम्स चीज़ होती हैं वो है यहाँ पर, प्रोडक्ट्स, शॉल, बास्केट्स वगैरह। तो शर्म के मारे यहाँ पे प्राइस नहीं पूछे क्योंकि हम पता है हम ले ही नहीं पाएंगे। ये है फूड कोर्ट, यहाँ पे फूड अपने हक के लिए लड़ता है अलग अलग राज्यों का। और यहाँ चल रहा था डेमो कि ये लोग कैसे बनाते हैं, ज़्यादातर इनका सारा हैंडमेड होता है। ये देखो बेचारा एस्केलेटर। सो गाइज, अमृत उद्यान सिर्फ 31 मार्च तक खुलेगा तो आप ज़रूर जाएं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वाह।